डियर स्टूडेंट्स, कल हमने फर्स्ट यूनिट का ए चैप्टर स्टार्ट करवाया था जिसका नाम था इलेक्ट्रिक चार्ज, और उसके बारे में हम बता के भी गए थे कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है और उसके डेफिनेशंस एक्सप्लेन की थी, उसकी एसआई यूनिट डीएफ सीजीएस यूनिट्स वो भी डिराइव की थी। तो आज हम उससे आगे चलेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या रहेगा, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। तो जो पहला टाइप है उसको बोलते हैं हम पॉजिटिव चार्ज, और जो सेकंड टाइप रहेगा वो हमारा रहेगा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कि इंट्रैक्शंस बिटवीन चार्जेस, इंट्रैक्शन बिटवीन चार्जेस, इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस। तो our experiments, our experience, or like charges is repel each other and unlike charges is attract each other। तो interactions between charges में हम क्या पढ़ रहे हैं, जो हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि कोई भी दो बॉडी है अगर उनके ऊपर चार्ज सेम है, अगर दो बॉडी है पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। अगर दो बॉडी है उनके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है तो वो भी क्या करेंगी, रिपेल। अगर सेम चार्ज है तो एक बॉडी दूसरी बॉडी को रिपेल करेगी अगर दोनों बॉडी के ऊपर चार्ज सेम है। अगर एक बॉडी के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, दूसरी बॉडी के ऊपर चार्ज नेगेटिव है, जब हम उनको एक दूसरे के नजदीक लेके जाएंगे तो एक दूसरे को क्या करना स्टार्ट कर देंगी, अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगी। तो यहाँ पर इंटरेक्शंस बिटवीन चार्जेस में यही बताया गया है कि हमने अनुभव भी किया है कि अगर दो बॉडी हैं उनके ऊपर चार्ज सेम है, लाइक चार्ज है, तो वो क्या कर रही हैं, रिपेल कर रही हैं। अगर उनके ऊपर अनलाइक चार्ज है तो वो क्या कर रही है, अट्रैक्ट। अट्रैक्ट मीन्स एक दूसरे को अपनी तरफ खींचना, और रिपेल मीन्स एक दूसरे को अपनी तरफ से दूर भगाना, यानी अपने उनके बीच में डिस्टेंस है जो उसको इंक्रीज कर देना। तो ये अर्थ है रिपेल का, और अट्रैक्ट का अर्थ है कि एक दूसरे को अपनी तरफ खींचना। तो ये था इंटरेक्शंस बिटवीन चार्जेस। अब क्या बताते हैं हम, कुछ एक एग्जांपल देंगे आपको, फॉर एग्जांपल जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज किस किस के ऊपर प्लेस करता है और नेगेटिव चार्ज किस किस के ऊपर प्लेस करता है। जनरली हमारा बेसिक जो हमारी लाइफ है उसके अंदर भी हम चार्जेस को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हम बढ़िया तरीके से उसको अनुभव करें तो। जैसे कि हमारे ड्राई हेयर्स होते हैं, सूखे हुए बाल, वो किसके अंदर काउंट किए जाते हैं, उनके ऊपर कैसा चार्ज होता है, ड्राई हेयर्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ग्लास रोड आपने सुनी भी होगी, कांच की रोड है जो, तो जो ग्लास रोड होती है उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। वूलन क्लॉथ्स, ऊनी जो कपड़े होते हैं, वूलन क्लॉथ्स जो ऊनी कपड़े होते हैं उनके ऊपर भी जो चार्ज होता है वो कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। अब बात करते हैं नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होता है। नेगेटिव चार्ज हम जैसे कोम्ब है, अब कॉम्बिनेशन है ड्राई हेयर सूखे हुए बाल, अब हम बाल को किसके साथ, यानी हमारे जो बाल होते हैं
उनको किसके साथ सेट करते हैं? कोम के साथ सेट करते हैं। तो कोम किसका बना होता है? प्लास्टिक का। तो कोम है, प्लास्टिक है, इनके ऊपर कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। एबोनाइट रोड है, एबोनाइट रोड, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होगा। रबर है, एटसेट्रा। तो ये चीज हमारे पास की बेसिकली हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है, या हम इसके बारे में जैसे हम छोटी क्लास में थे तो हम करके देखते थे, स्कूल में बैठे हुए होते थे तो क्या करते थे, अपने पेन को जब अपने एयर्स के साथ रबिंग करते थे, बालों के साथ रबिंग करते थे, तो उसको ग्राउंड के साथ टच करके देखते थे, तो जो ग्राउंड के ऊपर हल्के हल्के कण पड़े हुए होते हैं पेन के चारों तरफ क्या कर जाते हैं, वो अट्रैक्ट कर लेता उनको, क्योंकि हमारे बाल के ऊपर जो होता है वो कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। हम रबिंग करते हैं तो उस पेन के चारों ओर कैसा चार्ज इवॉल्व हो जाता है? पॉजिटिव। बट जो नीचे कण पड़े हुए होते हैं, मिट्टी के हैं या अनादर पीसीज हैं किसी चीज के, तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जब पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो ये होता है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अगर हम दो कोई वस्तुएं लेंगे या कोई भी दो अनादर ऑब्जेक्ट लेंगे, अगर उनके ऊपर चार्ज सेम है, बता भी दिया है कि वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर दो नेगेटिव चार्ज बॉडी ले लेते हैं, वो भी एक दूसरे के नजदीक लेके आते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। बट अट्रैक्ट कब करेंगे? मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट तो हम पॉजिटिव चार्ज का ले लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट किसका ले लेते हैं? नेगेटिव चार्ज का ले लेते हैं। जब एक पॉजिटिव और नेगेटिव को एक दूसरे के नजदीक लेके जाएंगे, तो एक जैसे मान लो ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, अब हम क्या करते हैं, एक दूसरे को नजदीक लेके जा रहे हैं, तो एक दूसरे को क्या करना स्टार्ट कर देंगे, अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये होता है अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। ये तब होगा जब उन दोनों बॉडीज के ऊपर चार्ज क्या है, अपोजिट है। अगर रिपेल मींस मान लो एक ये बॉडी है, एक ये बॉडी है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, जब हम एक दूसरे के नजदीक लेके जाते हैं तो क्या होता है, ये एक दूसरे को अपने आप से दूर भगाते हैं, रिपेल करते हैं। अब जैसे हमने कभी देखा भी होगा कि एक मैग्नेट का टुकड़ा होता है, मैग्नेट के टुकड़े को जब हम बीच में से तोड़ देते हैं तो जो हिस्सा टूटा हुआ है, मान लो ये कोई मैग्नेट है, हमने इसको इस यहां से तोड़ दिया, अब ये जो हिस्सा, ये दो पार्ट है, जैसे ये ही है, इसको हमने ऐसे तोड़ दिया, अब ये हिस्सा और ये हिस्सा, जब हम उस मैग्नेट के हिस्से को सेम साइड से अटैच करने की कोशिश करते हैं तो कभी भी अटैच नहीं होते। रीजन, क्योंकि दोनों के ऊपर जो पोलिंग होगी वो सेम होगी। अगर साउथ है तो ये पोल भी साउथ होगा, ये पोल भी साउथ होगा, जिसके कारण एक दूसरे को क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे। तो सेम अर्थ है यहाँ पर, है ये यहाँ पर बात कर रहे हैं साहब जिसकी, वो बात थी मैग्नेट की। तो यहाँ पर बताने के रूप में बताया गया कि अगर दो बॉडीज हैं वो सेम चार्ज उनके ऊपर है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगी, अगर अपोजिट चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है, वो जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, वो क्या होगा हमारा, ओरिजिन ऑफ ए चार्ज। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नोट करना, ओरिजिन ऑफ चार्ज। तो चार्ज का जो ओरिजिन होता है, चार्ज मींस आपने पढ़ा होगा, जो दसवीं क्लास में हिंदी मीडियम लिए हुए थे उन्होंने भी पढ़ा होगा, चार्ज को हम हिंदी में बोलते हैं आवेश। तो चार्ज को क्या बोलते हैं हम, आवेश। तो अगला जो टॉपिक हमारा वो है ओरिजिन ऑफ चार्ज, ओरिजिन ऑफ ए चार्ज इन एन एटम। इन एन एटम देयर इज ए न्यूक्लियस कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन। इन एन एटम देयर इज ए न्यूक्लियस कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन, बट किसी भी न्यूक्लियस के अंदर हम क्या कंटेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन, बट ए इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड ए द न्यूक्लियस,
but electron revolving around the nucleus. And neutron neutrons are electrically neutral. जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं. न्यूट्रल मीन्स जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, न पॉजिटिव होता है न ही नेगेटिव होता है. इफ द प्रोटॉन एक्वायर्स द प्रोटॉन एक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन एक्वायर नेगेटिव चार्ज. प्रोटॉन तो किस चार्ज को एक्वायर करता है? पॉजिटिव को. इलेक्ट्रॉन किस चार्ज को एक्वायर करता है? नेगेटिव को. नाउ द नंबर ऑफ चार्जेस ऑन प्रोटॉन, नंबर ऑफ चार्जेस ऑन प्रोटॉन इज सेम टू द नंबर ऑफ चार्जेस ऑन इलेक्ट्रॉन. Now the number of charges on proton is same to the number of charges on electron. So it can be cancelled out. So it can be cancelled out. Then एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. देन एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल और नॉर्मल स्टेट. तो ओरिजिन ऑफ चार्ज में क्या पता चला है कि जब हमारा कोई भी एक एटम है उसके अंदर, यानी एटम है वहां पर एक क्या होता है, न्यूक्लियस होता है. उस न्यूक्लियस के अंदर हम क्या कंटेन करते हैं? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन. बट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस न्यूक्लियस के चार ओर क्या लगा रहे होते हैं? चक्कर लगा रहे होते हैं. वहां पर जो न्यूट्रॉन होता है वो ऑलरेडी न्यूट्रल होगा. तो इफ द प्रोटॉन एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, वहां पर प्रोटॉन क्या एक्वायर करता है? पॉजिटिव चार्ज को एक्वायर करता है. इलेक्ट्रॉन क्या एक्वायर करता है? नेगेटिव चार्ज को एक्वायर करेगा. Now the number of charge on proton is same to the number of charge on electron. और जितने भी number of charges होंगे proton के उतने ही number of charges होंगे electron के, क्योंकि proton के ऊपर positive charge होगा और electron के ऊपर negative charge होगा. क्या करते हैं कि जो positive charge होता है वो negative charge को neglect कर देगा. जब neglect करेगा तो वो cancelled out होंगे. जब cancelled out हो जाएंगे then atom are electrically neutral. उस समय जो हमारा एटम होगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा, जिसको हम क्या भी बोल सकते हैं? नॉर्मल स्टेट भी बोल सकते हैं. तो ये हमारा ओरिजिन ऑफ चार्ज था. इसी के अंदर आगे लिखेंगे सो द प्रोटॉन, सो द प्रोटॉन एक्वायर पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस. प्रोटॉन acquire positive charge on the nucleus, but charge does not change because the proton inside the nucleus, because proton
lie inside the nucleus. And electron acquire negative charge on the nucleus, but charge can be changed because electron lie outside the nucleus. तो ये हमारा कंसेप्ट है ओरिजिन ऑफ ए चार्ज. तो इसको नोट कर लेना साथ के साथ में ताकि याद करते हुए आपको दिक्कतें ना हो. नेक्स्ट कंसेप्ट हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चार्जिंग ऑन मास. नेक्स्ट कंसेप्ट क्या रहेगा, इफेक्ट ऑफ चार्जिंग ऑन मास. मास के ऊपर चार्ज का क्या प्रभाव पड़ता है. इफेक्ट ऑफ चार्जिंग ऑन, या इफेक्ट ऑफ चार्जिंग की बजाय आप क्या लिख सकते हो, इफेक्ट ऑफ चार्ज ऑन मास. मास को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, एक वेट होता है एक मास होता है. मास को हम क्या बोलते हैं, भार. वेट को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान. तो इफेक्ट ऑफ चार्ज ऑन मास, we know that the negative charge developed on the body. We know that the negative charge developed on the body when it's gain electron. अगर किसी बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्जेस की संख्या बढ़ रही है तो उसका अर्थ है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं. एंड डी पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड ऑन द बॉडी व्हेन इट्स लूज इलेक्ट्रॉन्स. और इसका अर्थ है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की संख्या बढ़ेगी तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या घटेगी. उसका अर्थ तो आपको पता भी होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. बट बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज बढ़ रहा है, पॉजिटिव. अब पॉजिटिव बढ़ेगा दैट मींस इलेक्ट्रॉन वहां से क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा. तो ये अर्थ था कि जो इफेक्ट ऑफ चार्ज ऑन मास, कि मास बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है. तो ये देखो आगे क्या लिखेंगे, द नेगेटिवली चार्ज बॉडी, सॉरी द मास ऑफ नेगेटिवली चार्ज बॉडी, द मास ऑफ नेगेटिवली चार्ज बॉडी इज इंक्रीज व्हेन इट कंप्रेशन टू न्यूट्रल स्टेट. न्यूट्रल स्टेट एंड मास ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इज डिक्रीज व्हेन इट व्हेन इट्स कंप्रेशन टू
न्यूट्रल स्टेट। तो यहां पर बताया गया है इफेक्ट ऑफ चार्ज ऑन मास। तो यहां पर क्या बताया गया है कि अगर कोई भी नेगेटिवली चार्ज बॉडी है तो वो इंक्रीज करेगी द मास, यानी नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मास इंक्रीज करेगा जब वह न्यूट्रल स्टेट को कंप्रेस करेगी। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मास डिक्रीज करेगा जब वह न्यूट्रल स्टेट को क्या करेगी, कंप्रेस। तो यही फर्क पड़ता है कि चार्ज का मास के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, दिख रहा है उसका मास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है उसका मास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यही इफेक्ट था इफेक्ट ऑफ चार्ज ऑन ए मास। नेक्स्ट टॉपिक लिखो एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर ऑफ ए चार्ज, कि हम चार्ज को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, तो वी नो दैट द एडिशन ऑफ चार्ज विथ द हेल्प ऑफ सिंपल लॉ एलजेब्रिक रूल, या क्या लिख सकते हैं, द एडिशन ऑफ चार्ज विद द हेल्प ऑफ सिंपल रूल ऑफ एडिशन। द एडिशन ऑफ चार्ज विद द हेल्प ऑफ सिंपल रूल, सिंपल रूल ऑफ एडिशन, बट नो बट द एडिशन ऑफ चार्ज इज नॉट रिक्वायर्ड स्पेशल रूल ऑफ एडिशन। तो यहीं तक देख लो, द एडिशन ऑफ चार्ज विद द हेल्प ऑफ सिंपल रूल ऑफ एडिशन, बट नॉट रिक्वायर स्पेशल रूल। इसको किसी स्पेशल रूल की जरूरत नहीं होती, तो उसको बोलते हैं एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। जिस तरीके से हम छोटी क्लास में सिंपल ऐड करते हैं, कोई भी टर्म दे, कोई पांच सात टर्म दे देता है, उनको जब हम ऐड करते हैं तो सिंपल रूल से ऐड करते हैं, सेम कंडीशन यहीं पर है कि एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज क्या होता है कि जब हम चार्जेस को ऐड करते हैं तो उसको हम सिंपल रूल से ऐड कर सकते हैं, उसके लिए स्पेशल रूल की आवश्यकता नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास मान लेते हैं चार्जेस दिए गए हैं 5 कोलम, 7 कोलम, -3 कोलम, 4 कोलम, 2 कोलम, 0 कोलम, -5 कोलम। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो सिंपल रूल से ऐड करेंगे, एडिड ऑन चार्ज इक्वल्स टू 5 कोलम प्लस 7 कोलम माइनस 3 कोलम प्लस 4 कोलम प्लस 2 कोलम प्लस 0 कोलम माइनस 5 कोलम इक्वल्स टू, प्लस प्लस को ऐड कर लो, माइनस माइनस को ऐड कर लो, 5, 7, 12, 16, 18 कोलम। तो ये तो हमारे पॉजिटिव जो चार्ज हो कितने कोलम हो जाते हैं, 18 कोलम हो जाते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज है वो हमारे 8 कोलम हो जाते हैं। जब हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो एडिड ऑल चार्जेस कितना आएगा, 10 कोलम। ठीक है, तो ये है एडिटिव नेचर ऑफ ए चार्ज। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है क्वांटाइजेशन ऑफ ए चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ ए चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ ए चार्ज। डियर स्टूडेंट्स, एक बार ध्यान से सुनना,
कि जितने भी हम टॉपिक लिखवा रहे हैं साथ के साथ नोट करते रहना। अगर कहीं पर भी कोई डाउट लगता है कि ये समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट में आंसर दे सकते हैं कि सर आपने ये बोला ये हमारे समझ में नहीं आया, या यहाँ से कोई लाइन लिखी उसका अर्थ हमारे समझ में नहीं आया, तो आप बता सकते हैं ताकि उसकी समस्या का आपका समाधान किया जा सके। तो आप साथ के साथ में एक रिक्वेस्ट जरूर आपसे कि साथ के साथ में जितना भी बोर्ड पर लिखवा रहे हैं वो नोट जरूर करते रहना, ताकि आपको अगर हम जितना भी लिखते हैं, क्योंकि हमने जो तुम्हारे सर थे उन्होंने बताया होगा छोटी क्लास में जब हम पढ़ते आए हैं तो उन्होंने बताया होगा कि जितना हम राइटिंग करेंगे, क्योंकि जो हमारे सब्जेक्ट है फिजिक्स है केमिस्ट्री है मैथ है, हम उनको जितना लिख के देखेंगे उतनी ही याद ज्यादा होते हैं, उतने ही याद क्या होंगे ज्यादा होंगे। अगर हम उनको लिखेंगे नहीं वैसे थ्योरेटिकल को रिवाइज करते रहेंगे तो क्या है कि कुछ समय बाद हम इनको भूल जाएंगे। तो इसीलिए कुछ भी याद करने से पहले, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है अभी हम लिखना शुरू करेंगे साथ के साथ लिख के देखेंगे एक नोटबुक प्रिपेयर करेंगे ताकि साथ के साथ नोटबुक प्रिपेयर होती रहे और हम उसको राइट डाउन करते रहे, ताकि एक तो हमारे साथ के साथ में क्या हो रहा है कि एक तो नोटबुक प्रिपेयर हो रही है साथ के साथ में हमारी हैबिट है उसके अंदर भी यानी वो भी हमारी चेंज हो रही है। क्योंकि अगर हम जितना लिख के देखेंगे तो आपका ही फायदा उसमें कि आप जितना लिख के देखोगे उसमें आपके एक तो याद होगा, दूसरी कैपेबिलिटी हल्का फुल्का आपकी राइटिंग में सुधार होगा। अगर आप प्रॉपर फोकस तरीके से कंसंट्रेट करके उसको लिखने की कोशिश करते हैं, एक ब्लैक ब्लू पेन का कॉम्बिनेशन जरूर करना ताकि वहां पर राइटिंग के अंदर इम्प्रूवमेंट हो, और जो अगर वहां पर हम आराम से लिखेंगे तो हल्का फुल्का हमारी राइटिंग के अंदर भी इम्प्रूवमेंट होगा। तो साथ के साथ में जो मैं बोल रहा हूँ समझ आप भी रहे होंगे कि उसको साथ के साथ में राइट डाउन जरूर करते रहना, ताकि एक तो नोटबुक तैयार हो और उसके साथ साथ हमारा जो टॉपिक है वो भी क्लियर होता रहे। हाँ, बट अगर कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में बता देना सर ये समझ में नहीं आया दोबारा से क्या बता सकते हो, तो हम बताने का पूरा प्रयास करेंगे ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ ए चार्ज। तो जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है क्वांटाइज्ड, आपसे समझ में आ रहा है क्वांटाइज्ड, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, इट मीन्स दैट इट मीन्स दैट द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट गिव्स कंटिन्यूअस वैल्यू, बट ये क्या कहता है कि इसका अर्थ है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कंटिन्यूअस वैल्यू न दे करके, बट इट गिव्स डिस्क्रीट वैल्यू, वो हमें कैसी वैल्यू देता है, डिस्क्रीट वैल्यू देता है विच इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए ई, जो किसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है E का मल्टीपल होता है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम किसके द्वारा डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू के द्वारा डिनोट करते हैं, दैट इज क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। वी हैव क्यू का अर्थ आपको पता ही होगा क्वांटाइजेशन ऑफ ए चार्ज। उसके बाद n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। e क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इसकी वैल्यू अंडरस्टूड भी होती है, कितनी वैल्यू होती है, 1.6×10⁻¹⁹ कोला। तो एक वन इलेक्ट्रॉन के अंदर या एक इलेक्ट्रॉन में कितने कोलाम होते हैं, 1.6×10⁻¹⁹ कोलाम होते हैं। उसके बाद इसके ऊपर एक छोटा एग्जांपल देते हैं, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन इन वन कोला, कि एक कोलाम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं।
इफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज इक्वल टू एनी वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू अंडरस्टूड है 1.6 × 10⁻¹⁹ कोलाम, क्योंकि वैल्यू भी दे दी कितने कोलाम है, वन कोलाम है। एन फाइंड आउट करना है तो इजिली फाइंड आउट कर सकते हो, एन इक्वल्स टू क्यू बाई ई, क्यू इज इक्वल टू वन कोलाम बाय 1.6 × 10⁻¹⁹। अब यहां पर पावर नेगेटिव है, अपर लेके जाएंगे इसको तो पॉजिटिव होगी, 10⁻¹⁹ इंटू 10/16, क्योंकि पॉइंट को हटाओगे तो बाय में 10, अगर बाय के बाय में तो ऊपर जाके इंटू में होगा वो, इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका 5.8 × 10⁻¹⁹। अब इसको सोल्व करोगे 6.25 × 10⁻¹⁸ ये वैल्यू आएगी। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन वन कोलम, कितने होते हैं 6.25 × 10⁻¹⁸। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर करवाएंगे। थैंक यू।